महिंद्रा ने वाकई में कमाल है अपना करके पूरा दिखा दिया है जलवा पूरा बिखेर दिया है एक्स यू वी थ्री डबल ओ का यहाँ पे इंटीरियर हमें जो दिखाया है लीक्स हो चुके हैं इंटीरियर पूरा क्लियरली विजिबल हो चुका है इंटीरियर के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो एडवांस चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं तो क्या कुछ आपको नया देखने के लिए मिलता है एक्स यू वी थ्री डबल ओ फेस के अंदर और कितना प्राइस होगा इस गाड़ी का कब ये लॉन्च होने वाली है सारा कुछ बात करने वाले है इसी वीडियो के अंदर तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहना और जो नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें सबसे पहले बात करें तो इनकी कई गाड़ियाँ जो आने वाली है वो आपको पता चल जाएंगी आने वाले टाइम पर तो इनकी सबसे जो एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है एक्स यू वी थ्री डबल ओ फेस लिप इसके यहाँ पे अगर आप सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन को देखें फ्रंट डिज़ाइन में आपको एल ई जो देखने के लिए मिलेंगे शी शेप के अंदर जो इनकी बी इज़ रेंज जो चल रही है इलेक्ट्रिक वाली उसी के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा एल के अंदर आपको फॉग लैम्प हेड लैम्प का सेटअप पूरा देखने के लिए मिलने वाला है तो फ्रंट फेस या डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अच्छा हमें देखने के लिए मिल भी रहा है क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी रिफ्रेशिंग है इस गाड़ी का रियर डिज़ाइन को देखें तो रियर डिज़ाइन से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमें शी शेप के अंदर इसके अंदर कनेक्टेड टेल लाइट्स है वो देखने के लिए मिल रही है बम्पर भी पूरा रीडिज़ाइन है जो करा गया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऊपर स्पॉयलर हो गया आपका एंटीना हो गया और आपके रूफ रेल्स वगैरह ये हो जाते हैं तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अग्रेसिव लुक है गाड़ी की साइड प्रोफाइल से आपको बिल्कुल वैसे ही देखने के लिए मिलेगी जैसे एक्स यू डबल पहले वाली आ रही थी व्हील्स आपको वही देखने के लिए मिल रहे हैं हो सकता है आपको टॉप मॉडल के अंदर कुछ नया देखने के लिए मिल जाए लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस गाड़ी का इंटीरियर जो कि हम आप दिखाने वाले हैं आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलने वाली है सबसे पहले गाड़ी का इंटीरियर देखो डुअल टोन के अंदर होने वाली है हल्का क्रीमिश कलर जैसा ये देखने के लिए लग रहा है ब्लैक और ये इसका कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जो लग रहा है लग्जरी पूरा है जो इंटीरियर गाड़ी का लग रहा है मतलब आपकी जो दूसरे ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं ना उस वो मात खा जाएंगी इसके इंटीरियर के आगे तो काफ़ी लग्जरी इसका जो इंटीरियर हमें देखने के लिए मिल रहा है देखने में सीट्स हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी अगर डोर की बात करें तो डोर है डोर पे ही आपको जो स्विचेज़ है वो दे दिए जाएंगे आपके पावर विंडो वगैरह के सारा कंट्रोल्स है वहीं से देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि एक बोतल यहाँ पे लगी हुई हुई है और आपको साथ ही साथ देखे तो इसके अंदर बड़ा आपको इन्फोटेनमेंट मिलेगा टेन पॉइंट टू फाइव इंच का साथ ही साथ आपको स्टेरिंग व्हील भी आपके अपर लाइनअप की है जो देखने के लिए मिलने वाली है तो ये मैनुअल गाड़ी है अभी देख सकते हो आप तो इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने के लिए मिल रही है साथ ही साथ आपको कप होल्डर्स देखने के लिए मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत स्पेस है वो देखने के लिए मिल रहा है आर्मरेस्ट रेस्ट भी आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है तो इस तरह का जो ये है लुक है वो गाड़ी का रहने वाला है अगर हम गाड़ी के थोड़े और डिटेल्स के ऊपर जाएँ तो इसके अंदर जो देखने के लिए मिल रहा है हमें इंटीरियर के अंदर इसका बड़ा सा आपको स्पेस है वो देखने के लिए मिलेगा डैशबोर्ड लेआउट डुअल टोन के अंदर हमें जो देखने के लिए मिलने वाली है डुअल जोन ए हो सकता है कन्फर्म नहीं है लेकिन गाड़ी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको जो सबसे अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो है इसका सन uh, रूफ़ जो कि पैनारोमिक सन रूफ़ और ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर ये पैनारोमिक सन रूफ़ आ रहा है इस सेगमेंट के अंदर जो भी गाड़ियां हैं उनके अंदर पैनारोमिक सन रूफ नहीं मिलता है डैश कैम आपको देखने के लिए मिल जाता है तो ऐसे जो इसका फ्रंट का जो इंटीरियर इस गाड़ी का तो काफ़ी लग्जरी हमें देखने के लिए मिलता है सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी के अगर सेकंड रो पे जाएं तो आपको सिक्सटी 40 वो सीट्स देखने के लिए मिलेंगी साथ ही साथ बीच में आपको आमरेस्ट वो भी देखने के लिए मिलेगा ए सी वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलेगा और डोर्स पे आपको बॉटल होल्डर्स वो देखने के लिए मिल जाते हैं तो ये सारा चीज़ें जो होने वाला है गाड़ी के अंदर अगर हम पीछे वाले लुक से बात करें तो पीछे वाले लुक से आप क्लियरली देख सकते हो जो ऑटोमेटिक आई होने वाला है साथ ही साथ आपके जो सीट्स हैं इस तरह की रहने वाली है सिक्सटी फोर्टी आपको देखने के लिए मिल रहा है तो इस तरह का जो इसका पूरा इंटीरियर है वो गाड़ी का रहने वाला है काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं जो हमें गाड़ी के अंदर जो पता चली हैं और क्या कुछ पता चला है वो चलिए अभी बता देते हैं तो सबसे अमेजिंग चीज़ है ये गाड़ी फाइव स्टार रेटिंग के साथ आती है ग्लोबल एन के क्रैश टेस्ट के अंदर और अब ये गाड़ी भारत एन के अंदर भी इस गाड़ी का जो क्रैश टेस्ट है वो कराया जाएगा और इसके अंदर फ़ीचर्स क्या क्या हमें मिलते हैं देखने के लिए थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा मिलता है साथ ही साथ इसके अंदर एडास जैसा एडवांस फीचर है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जिंग हमें देखने के लिए मिल रही है फ्रंट में दो आपको वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो ऑफ़र करी जा रही हैं तो काफ़ी चीज़ें जो गाड़ी के अंदर इंक्लूड है वो करी जाएंगी अगर जैसे सेफ्टी फ़ीचर्स को देखें तो आपको सिक्स ईयरबैग स्टैंडर्ड करे गए हैं बेस मॉडल से ही वो देखने के लिए मिलेगा हिल होल्ड असिस्ट देखने के लिए मिलेगा कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो ई है वो देखने के लिए मिलता है और एक सबसे अमेजिंग चीज़ आपको चारों डिस्क ब्रेक्स हैं वो ऑफर करे जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो पैक कर रहे हैं इस गाड़ी के अंदर अब यहाँ पे बात करें तो पावर ड्रेन की के गाड़ी के अंदर कितनी पावर हमें मिलने वाली है उससे पहले वीडियो पर नए हो तो लाइक चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो चलिए बात करते हैं इसके अंदर पावर कितना इंजन ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं अगर बात करें इंजन ऑप्शन की तो यहाँ पे तीन आपको इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं सबसे पहले जो इंजन ऑप्शन मिलेगा वो आपको 1.2 लीटर का यहाँ पेट्रोल एम इंजन मिलेगा जो कि 110 सौ और इसके जो टॉर्क होगा 200 सौ का पीक टॉर्क आपको मिलने वाला है अगर दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करें तो वो वन लीटर का ही मिलेगा टर्बो पेट्रोल जी इंजन मिलने वाला है जो कि 130 पीएस और 230 सौ का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा मतलब इसमें पहले वाले से थोड़ी ज़्यादा पावर है अब बहुत लोग गए हमें डीजल इंजन चाहिए तो एक डीजल इंजन भी है इस गाड़ी के अंदर वो है 1.5 लीटर का टर्बो डीज़ल इंजन ठीक है जी अगर ये कितनी पावर देता है ये आपको 170 सौ सत्रह पी एस और तीन सौ एन एम का टॉर्क है वो देता है यानी डीजल के अंदर सबसे ज़्यादा पावर है वो रखी गई है तीन सौ एन एम का तक का जो टॉर्क है वो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है अगर हम गेयर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सिक्स स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही आपको देखने के लिए मिलेंगे मतलब सभी जितने भी तीन इंजन ऑप्शन हैं तीनों के ही अंदर आपको यहाँ पे सिक्स स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक सभी के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको किसी के अंदर फाइव स्पीड मैनुअल इतना नहीं नहीं तीनों के अंदर ही आपको सिक्स स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है अगर इस गाड़ी का हम बात करें कि ये लॉन्च कब होने, तो होने वाली है तो गाड़ी लॉन्च होने वाली है आ, अगले साल 2024 में लगभग आपको मार्च अप्रैल तक इस गाड़ी का लॉन्च है वो देखने के लिए मिल जाएगा तो लॉन्च भी गाड़ी जल्दी ही आपकी होने वाली है तो कैसी लगी आपको आज की इंटरेस्टिंग लीक्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको कुछ भी राय कमेंट्स हो तो एक बार कॉमेंट ज़रूर कर दिए अगर आप कॉमेंट्स नहीं करते हो तो एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बता दिया करो अगर आपकी तरफ से कुछ अपडेट्स हो या कुछ समझ में नहीं आया हो कुछ भी हो तो एक बार अपडेट जरूर कर दिया करो कैसी लगी आपको आज की इंटरेस्टिंग लीक्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाकी हम मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ओके टाटा बाय बाय जय हिंद और सब्सक्राइब जरूर करें